ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कल के झगड़े के बाद तुम ज्यादा खुश नजर आ रही हो? हाँ सही कह रहे हैं आप, हमारी लड़ाई हुई थी, निजात बहुत गुस्सा हो गया था मुझ पर। लड़ाई के बाद कुछ ऐसा तो नहीं जो मैंने मिस कर दिया हो? हाँ, बुर्जू के खिलाफ आज के बाद इस ऑफिस में या ऑफिस के बाहर कोई भी बात करने से पहले ये सोच लेना, उसे बुरा भला कहना या उस पर इल्जाम लगाना, मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ऐसे करने वाले को मैं ऑफिस से फौरन फारिग कर दूंगा। हम लोग कभी अम्मी की खबर पर क्यों नहीं गए? अम्मी कोई लवारिस तो नहीं है ना? हमें जाकर उनकी खबर का हाल देखना चाहिए। रिफत, तुम्हारी माँ की कब्र यहाँ से काफी दूर है, हम उसे देखने नहीं जा सकते। कौन ख्याल रखता है उसका? रिफत, कब्रिस्तान वाले। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ सोना, साफ साफ तुम्हारी आंखों में देख सकती हूँ। देखो सोना, अगर आज तुमने मुझे सच सच नहीं बताया तो देख लेना कभी बात नहीं करूँगी। निजात करीब आया था मेरे। मेरे ख्याल में वो बहुत जल्द शादी करने वाले हैं, बेहतर होगा कि तुम उनके बारे में सोचो और मुझे रहने दो। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। कल पार्टी में तो हम दोनों ही मौजूद थे ना, क्या तुमने गौर नहीं किया? निजात और आयलिन एक दूसरे में किस तरह खोए हुए थे, उनकी आंखों से एक दूसरे के लिए बेपनाह प्यार झलक रहा था, और आंखें कभी झूठ नहीं बोलती हांदे साहिबा।